वेलकम टू रुखसार्स किचन। आज हम बनाएंगे हैदराबादी टमाटे का कट और टमाटर रसम। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो लाल पके हुए टमाटर, आधा टेबलस्पून इमली, एक प्याज, करी पत्ता 3 से 4, बारीक कटी हुई कोथमीर 1 टेबलस्पून, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मूंगफली के दाने, और हमें बघार के लिए चाहिए 1/4 टीस्पून मेथी के दाने, 2 से 3 टेबलस्पून तेल, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून राई के दाने, 3 से 4 लहसुन के पोती जो बारीक कटी हुई है, और करी पत्ता। पहले हम एक कुकर में टमाटर इमली को धोकर डालेंगे और कटी हुई प्याज को डालकर 1 कप पानी डालकर इसको हम टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए मैंने पका लिया और इसको ठंडा होने के लिए हमने रख देना है। अब मूंगफली के दाने को भी अच्छे से भून के इसके छिलके निकाल लेंगे। अब ये छिले हुए दाने को हम एक ग्राइंडर के जार में डालकर इसको अच्छे से बारीक से पीस लेंगे। इसका पेस्ट बना लेना है हमें। ये देख सकते हैं ये अच्छे फाइन पेस्ट हो गया। अब जब टमाटर ठंडा हो जाए तो हम उसको जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब एक छन्नी को लेकर इसको हम छान के इसका टमाटे का जूस निकालना है। मैंने देखिए निकाल लिया टमाटे का। अब इसमें कड़ी पत्ता, ये पिसा हुआ फली का पेस्ट डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर इसको अच्छे मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से धनिया डाल देंगे। अब इसको हमें पकाना है। जब ये खोलने लगे इसको कम करके बत्ती आप धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक इसको खोलाने रख दीजिए। अब एक पैन लेकर मैं तेल गरम कर रही हूँ। अब इसमें जब तेल गरम हो जाए तो ज़ीरा, राई, लहसुन, मेथी के दाने और करी पत्ता डालकर हम इसको हल्का लाल होने तक रख देंगे। जब हो जाए तो हम सर्विंग डिश में निकाल कर इसको बघार ऊपर से डाल देंगे। तो लीजिए आपका टमाटे का कट तैयार हो गया, जो अच्छा गाढ़ा रहता है और टेस्टी है। आप इसको चावल या रोटी से जो भी है खा सकते हैं। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रुखसार्स किचन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।